चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनएलसीआर सीरीज सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल ईएमएफ, दिस द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज दिस। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम व्हेन द इंडक्टेंस। मैक्सिमम करंट कब होती है? रेजोनेंस के केस में रेजोनेंस की वैल्यू क्या होती है? जब जेड मिनिमम होती है और वो वैल्यू आर के बराबर हो, तो ये कब होता है? जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी की वैल्यू अगर मैं देखूं, एल ओमेगा ये होती है और ये वन अपॉन सी ओमेगा। तो अगर देखा जाए तो इसको आप लिख सकते हो वन अपॉन सी ओमेगा स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या दी हुई है? सी इज इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड इन 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड हो जाएगा। और ये R की वैल्यू दी हुई है 100 ओम, तो 100 ओम रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 100 पाई। तो C की वैल्यू हम रख दें 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 100 पाई का स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, L इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? L इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 10 टू पावर, ये 10 पावर 2 का होल स्क्वायर 10 पावर 4 पाई स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 पाई स्क्वायर, या इसको 100, ये ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा 100 बाई 2 पाई स्क्वायर, या 50 बाई पाई स्क्वायर, ये हो गया हेनरी में ना, एसआई में कन्वर्ट हो गया। तो 50 बाई पाई स्क्वायर कौन सा ऑप्शन सही है? 50 बाई पाई स्क्वायर बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है।